डे राहु बदला था मैं तभी से कहने लगा, जो कहा जा रहा है या जो कहा जा चुका है उसकी वापसी होगी, और अपने शब्द वापस लिए जा रहे हैं। जो लोग अब क्या बताएं, मतलब जो कसमें खाते थे कि कभी जिंदगी भर इसको इस दल में नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा, उनकी वापसी हो रही। धर्म लेकिन के आप नाम पे बल्कि डर पैदा हो गया है। डर क्या हुआ, आप सुनो, नवरात्रे हैं, रामनवमी आने वाली है, रामनवमी पे लोग वहां जाना चाहते हैं मंदिर। ये जो रामलला का नया मंदिर बना अयोध्या में, और वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल को ऑर्डर कर दिए कि खास करके अभी विदेशियों के लिए किए हैं कि कोविड का खतरा है, 14 दिन का क्वारंटाइन करो, कर लो आप दर्शन। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने 16,000 मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, नमस्कार। आपसे फिर आज मैं जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और मैं फिलहाल आपसे सारी प्रिडिक्शन जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में ही कर रहा हूँ। मौजूदा जो सत्ता है, और अगर सत्ता बदलेगी तो क्या देश के साथ कुछ होगा, और फिलहाल के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और आप लोगों की समस्याओं का हल भी करते हैं। तो अगर आप भी इनसे बात करना चाहेंगे, नाम के साथ नंबर है, बातचीत कर सकते हैं सुबह 11 बजे के बाद। तो आज मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने का एक भाषण आज सामने आया, वो कश्मीर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जहाँ 370 हटाई गई थी और उसको यूटी बना दिया गया था। आज अपने ही जो काम किया था उससे वापसी का जो मूड बना है वो क्यों बना है, क्या ये ग्रह ने किया है जो ये रिवर्स में जा रहे हैं, और नया मैनिफेस्टो इनका क्या है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका था और अब ये जो चीजें वादे कर रहे हैं क्या ये पूरे कर पाएंगे, या फिर एक तरह से जनता को झांसे में लिया जा रहा है? किसकी कुंडली और किसके प्लैनेट इस वक्त इस तरह से काम कर रहे हैं? जी सर, देखो, पुराने वीडियोस आप देख लें, द डे राहु बदला था मैं तभी से कहने लगा, जो कहा जा रहा है या जो कहा जा चुका है उसकी वापसी होगी, और अपने शब्द वापस लिए जा रहे हैं। जो लोग अब क्या बताएं, मतलब जो कसमें खाते थे कि कभी जिंदगी भर इसको इस दल में नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा, उनकी वापसी हो रही। ये जो एक चक्र है, इसे हम लोग कहते हैं वात्या चक्र, नक्षत्र चक्र, वो अपना काम इस समय बड़ी तेजी से कर रहा। पिछले 2 ढाई महीनों में, और खास करके जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, राहु का एक काम होता है, इट क्रिएट्स द अनसर्टेनिटी इन लाइफ। ये आपकी जैसे होता है ना, अनसर्टन और अनिश्चितता क्रिएट कर देता। आपको समझ नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं क्या ना करूं। मैं कई बार समझाता हूं, रिसर्च भी ये कहती है कि राहु बेसिकली क्या कहता है, इट क्रिएट्स द एंग्जाइटी इन द पीपल, इट क्रिएट्स फियर फैक्टर, डर पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है, और नॉट ओनली दिस, वो इनसिक्योरिटी पैदा करता है। कभी सुना था, कभी नहीं सुना होगा कि आपको सीट एक दल ऑफर कर रहा है और आप मना कर रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। बड़े बड़े दिग्गज, और हंसी तो तब आती है जब किसी देश का या देश की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगी, इम्पॉसिबल। और ये मुझे लगता है, मैं किसी की उसमें नहीं है, जो यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कुछ डेटा आए हैं, कुछ कईयों ने साउथ से जो कुंडली उसकी दिखाने की कोशिश की, उसमें एक बड़ा विचित्र योग है। मुझे मतलब उसका लॉस जो है, उसका ना लड़ना जो है, उसके दल के लिए लूजर बन जाएगा, लॉस होगा। और अगर वही महिला, जैसे कि उसके सितारे हैं और साउथ से है, वो जिस जगह से है, अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो उसके दल को लाभ हो सकता, लेकिन सितारे अपना काम कराते हैं। उसने वो निर्णय ले लिया,
अब आगे क्या लेगी कह नहीं सकते, लेकिन एक दिक्कत तो आ गई। मैं पिछली बार भी मैंने इन प्लैनेट्स की वजह से, मरकरी की वजह से मैंने एक ये कहा था कि जो नारी शक्ति के बारे में जो चीजें आ रही हैं उसके आपने रुख सुन लिए, न्यूज आ गई आपकी बहुत ही सीनियर अभिनेत्री है, इलेक्शन लड़ रही है, वो बाबा जी के पास जाती है, बाबा जी कहते हैं 2 बार तो आशीर्वाद दे चुके हैं और क्या देंगे, ये हो रहा है घटनाक्रम, नहीं और इससे ज्यादा नहीं। अब लोगों ने पिछले वीडियो पिछली बातें शुरू कर दी है। एक बार उसी अभिनेत्री से पूछा गया, ये बड़ी शर्म की बात है ये लोग ऐसी बातें करते हैं, उससे पूछा गया इस देश के युवाओं के बारे में आपकी क्या राय है, ध्यान जी से सुनिएगा, और खास करके इस देश के युवाओं को सुनना चाहिए, प्रमाण है, और उसका जवाब सुनेंगे तो माथा पीटने लगेंगे। देश के युवाओं के बारे में जब उससे क्वेश्चन किया गया कि इस देश के युवाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कहती है इस देश के युवा कुछ नहीं बन सकते, वो सिर्फ बाप बन सकते हैं, वो सिर्फ बाप बन सकते हैं। ये है युवाओं के बारे में राय जिसको आप संसद में भेजना चाहते हैं, हद है, मतलब आपकी कोई सोच समझ नहीं, कोई सोच का तरीका नहीं। आप संसद में जाने वाले हैं, कोई एक्टिंग करने थोड़ी जा रहे हैं, डायलॉगबाजी करने जा रहे हैं। खैर मुझे उस विषय पे ज्यादा नहीं कहना, लेकिन बुरा लगता है कि मेरे देश के युवाओं के बारे में कोई ऐसी राय दे, दिल रोने लगता है। इतने मेहनती, इतने कर्मठ, बल्कि इन्हीं लोगों ने, सच मानिएगा, राजनीति के लोगों ने उनका भविष्य खराब कर दिया, उनको गलत रास्तों पे लाके खड़ा कर दिया। और जब बेरोजगारी बढ़ती है, आदमी कुछ भी करता है, जो भूख है पेट की भूख, आपको कुछ भी करवाने को तैयार हो जाता, प्लैनेट भी अपना काम करते हैं, लेकिन एक इंसान तो इंसान ही है ना, जमीन आसमान का अंतर मिलता है आपको। एक तरफ अमीर 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 से भी अमीर होता जा रहा है, और उस बेचारे के पास एक नौकरी नहीं है छोटी सी, मुफ्त का लॉलीपॉप देने से तो नहीं होगा। एनीहाउ, सबसे बड़ी चीज ये है कि कल जो है हमारे यहाँ मकर संक्रांति मानी जाती है, जो पिछले कई दिनों से मैं विचार कर रहा था, अब उसका एक समय आ गया, मकर संक्रांति कल जो होगी इसमें कुछ एस्पेक्ट्स और खुलेंगे। वो क्या होगा, धन, क्योंकि ऑलरेडी अभी शुक्र चल रहा है, शुक्र अब क्या करेगा, धन, धन से रिलेटेड, ऐश्वर्य से रिलेटेड चीजें, जिसमें कईयों की प्रॉपर्टी उभरेगी, कईयों का गोल्ड पकड़ा जाएगा, या धन कमाने के जो तरीके हैं वो सामने आएंगे। अब सिर्फ लड़ाई राजनीति की पार्टियों की ना रहकर, क्योंकि बुध भी बदल चुका है, अब ये होगा जिस कैंडिडेट से आप ये लड़ जो लड़ रहा है ये कैंडिडेट, इसके पास 10 गाड़ियां हैं, लिस्ट आएगी, कोई कहेगा इसके पास इतना करोड़ रुपया है, कोई ये कहेगा ये देखो इस पार्टी का जो है सबसे ज्यादा पैसे वाला, ये फाइनेंस का मैटर शुरू होगा, और ये बड़ा लंबा चलेगा, आपको बता दूं, ये कल मतलब 13 तारीख से शुरू होगा, 14 से आग पकड़ेगा परसों से, और 23 तारीख तक, 23 को शुक्रस्त होगा, तब तक ये जो है दिन रात एक दूसरे पर उछाला होगा, तेरे पास इतना पैसा है, हो गया तेरे पास इतना पैसा है, तेरे पास इतने मकान है, हो गया तेरे पास इतने मकान है, ये राजनीति होती है। मैं कहता हूं 1,000 मकान है किसी के पास, आपने राजनीति में क्या किया आपका अब तक का, तो इसका मतलब क्या कि जो टिकट देने वक्त भी ये क्राइटेरिया तो है ही नहीं कि इसका सोशल वर्क क्या है, ये कितना पढ़ा लिखा है, सिर्फ ये देखा जाता है क्रिमिनल है कि नहीं, कितने केसेस हैं, और ये कितना पैसा लगा सकता है, पूछा जाता है आप इलेक्शन लड़ने कितना पैसा लगाएंगे, और जो बेचारे सीधे साधे पुराने जो कैंडिडेट्स रहे हैं, अब आज की डेट में उनको सिर्फ फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे ही नहीं है, इलेक्शन क्या लड़े, भी कार का खर्चा भी गाड़ी का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाए। एनी वो होगा क्या, जब इस तरह की बातें होंगी, एक दूसरे का जिसे कहते हैं ना बखिया उधेड़ना, वो सामने आएगा। और सबसे बड़ी जो चीज इस समय विचित्र हो रही है, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया,
इसका हिस्सा जो है, इसमें अब प्रॉस्पेरिटी आनी है। और प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, वो युवा वर्ग के माध्यम से। मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं कि उन लोगों के अपने प्लैनेट्स बड़े अच्छे हैं, उस समय उनकी दशाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन एक हिस्सा जो साउथ का बचता, और साउथ में कोई, साउथ के अंदर अगर कोई दल विशेष अपनी सारी फोर्सेस लगाता है, लेकिन उसकी पार्टी के, उसके कैंडिडेट्स के, अगर उनका जो है प्लैनेट्स अच्छे नहीं है, तो वहां मुश्किल हो जाएगी। तो कई डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रहती है। आप अगर सोचता है, कोई सोचता है कि मेरे को इसमें से पूरी की पूरी सीटें मिल जाएंगी, ऐसा मुश्किल है। और उस सारे को अभी राजनीतिक विश्लेषण आने शुरू हो गए कि इफ यू इग्नोर द साउथ, अगर दक्षिण भारत के जो है, कर्नाटका है, आंध्र वगैरह जितनी भी ये जगह, केरला वगैरह जो हटा देते हैं यहाँ की सीटों को, आंध्रा को, तो आपके पास बचता क्या है? तो वो जो आंकड़ा जिसके लिए एक बात चल रही थी कि हम इसको पार करेंगे, फिर वो आंकड़ा थोड़ा नीचे आया। अब ईवीएम वो पर लेकर कुछ टेक्निकल जो चीजें होती हैं, क्या उनके कारण भी कोई जीत सकता है? प्लैनेट्स वहां पर भी काम करते हैं या नहीं? देखो, मेरे हिसाब से इस बार प्लेनेट वहां भी काम करेगी। कई बार आपने घर में देखा होगा, आपका टीवी रिमोट से नहीं चलता है, आपको लगता है सेल कमजोर हो गया है, या तो सेल बदलोगे और या टीवी में प्रॉब्लम आ गई है। देखो, जीवन के चक्र को समझना चाहिए। बड़े बड़े पहलवान देखे हैं, हर बार नहीं जीतते। आपको, आप उसका एनालिसिस ले लीजिएगा। और जिन चीजों को आप बड़ी, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ये हो क्या रहा है, मैं तो समझ नहीं पा। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, पर कुछ तो अपना वो दिखाइएगा, समझदारी। एक बात सुनो, वैसे नॉर्मल वे में बता रहा हूं, कितने हैं इस देश के लोग, कितने हैं? एक अच्छा, सौ चालीस चालीस करोड़ करोड़ कहते हैं ये, मैं कह रहा हूं 150 करोड़ है। अगर 5 लोगों की एक फैमिली हो तो कितनी फैमिलीज बनी? जी 30 करोड़। प्लीज। 30 करोड़ परिवारों को चलाना, और इतना बड़ा जखीरा है आपके पास, इतनी ये जो सेना इकट्ठी की हुई है ना, इतने विधायक एक स्टेट के, इतने विधायक एक स्टेट के, इतने 3-3 करोड़ रुपया सबको मिलता है खर्च करने के लिए, इतने एमपी हैं, इतने राज्यसभा लोकसभा, ये किस लिए रखे हुए? खाली बहस करने के लिए, मजाक करने के लिए? इनको दो ना कि इन फैमिलीज का देख रेख आपने करनी है, और रिजल्ट दीजिएगा। बहुत आसान है किसी को रोजी रोटी उपलब्ध कराना, उसके रहने की जगह, पानी, बिजली। मैंने पहले भी एक बार संकेत दिया था, दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी के अंदर, आज भी आपको रात को 3 बजे उठकर मोटर चलानी पड़ती है ताकि पहली मंजिल दूसरी मंजिल पे पानी जा सके। ये हालत किसने की? लोगों ने की? कौन जिम्मेदार है इसका? फिर भी प्लैनेट्स अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश खुशहाल कभी नहीं था। था, समय बदला, वो खुशहाली जाती रही। जैसे होता है लुटेरे जब आ सूर्य जाते ग्रहण के हैं, बाद आपने कहा था कि बहुत कुछ बदलेगा, क्या नया बदला है सर, और आगे क्या देखो, बदलेगा? सूर्य ग्रहण के बाद एक, अगर आप छोटा सा विश्लेषण लेंगे, कुछ चेंजेस आए जो कि कल से और बदलेंगे। कल से जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बुध भी बदल चुका है, और मेष राशि में जब सूर्य आएगा, हम इसको ऐसा मानते हैं कि कहीं ये आपको, जिसे कहना चाहिए ना, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे आप कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं किस दल में हूं, मेरा भविष्य क्या है। जैसे ये होगा, फिर आप अपने पलड़ों के, पिछले सूर्य के 3, आप तो हरियाणा के अंदर बदल गए, एक पार्टी से दूसरे दल में आ गए, और सत्ता में जो दल है उसी के लोग, उसके सपोर्टिंग हैंड,
वो कहना शुरू हो गए हैं कि जिस आंकड़े को लेकर हमारा दल चल रहा है वो इम्पॉसिबल है। ये तो स्टेटमेंट आ रहे, दे आर सेइंग इम्पॉसिबल। रही बात, अब समझ में आ रही है कि वो दूसरे का मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा आ गया, उन्होंने तो ऐसी बातें कर दी हैं कि तो हमारा मैनिफेस्टो डाउन हो जाएगा, तो फिर उससे मिलती जुलती बातें करो। होता है ना कि भाई हम ये चीज बैन कर देंगे, उसे कहा नहीं कम कर देंगे, हम भी कम कर देंगे, वो जो फैक्टर आ गया। और तीसरी बात, जो कल से मेष में बुध भी बदला हुआ है, मैंने पहले भी कहा है इंटरनेशनल मीडिया और स्ट्रांग होगा। पता नहीं आपने देखा होगा, मैं कुछ न्यूज देखता हूँ इस समय विदेशों में जो खबरें आ रही हैं, विदेशी अखबारों में मैगजीन्स में, वो यहाँ के इलेक्शन को लेकर एक एक मजाक सा कर रही, उस चुनाव को चुनाव नहीं मानती हैं। क्या कारण है उनका अपना एनालिसिस हो सकता है। और यहाँ केवल केवल एकमात्र एक चैनल है जो ढोल पीट रहा, और बड़ी मजे की बात है लोग पता नहीं उसको देखते भी हैं, कहते हैं ये है तो ऐसे ही लेकिन चलो देख ले, होता है ना। सो दैट न्यूज नाउ इट इज व्हाट हैज हैपन, न्यूज हैज बिकम एन एंटरटेनमेंट, न्यूज को आपने मनोरंजन का साधन बना दिया, कहीं कुछ होता है वो बन जाती अपने, मतलब जो मीडिया के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं वो एजुकेशन देती है, वो तो मीडिया आजकल एजुकेशन दे ही नहीं रहा, खत्म हो गया। फिर ये होती है कि वो जो है ये जिसे कहना चाहिए इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन सारी रॉन्ग मिल रही है, जो बताया जाता है वो है ही नहीं। और तीसरा है एंटरटेनमेंट, और मीडिया न्यूज भी एंटरटेनमेंट कर रहा, और अजीब तरह से हो रहा है। अभी तो आप बस कल से देखना जो जुलूस निकलेंगे, क्या क्या निकलेंगे, कोई क्या बनेगा, जोकर बनेगा कि क्या होगा, क्या कि 9 days जो है हमारे पास, धर्म के हिसाब से सत्ता बदली जाएगी इस बार या नहीं सर, उससे प्लैनेट्स काम क्या, करेंगे क्या चीज धर्म के नाम पे जो वोट मांगी जा रही है खुलेआम, धर्म के नाम पे, बल्कि डर पैदा हो गया है। डर क्या हुआ आप सुनो, नवरात्रे हैं, रामनवमी आने वाली है, रामनवमी पे लोग वहां जाना चाहते हैं मंदिर, ये जो रामलला का नया मंदिर बना अयोध्या में, और वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल को ऑर्डर कर दिए कि खास करके अभी विदेशियों के लिए किए हैं कि कोविड का खतरा है, 14 दिन का क्वारंटाइन करो, कर लो आप दर्शन। बाहर से विदेशियों ने इस पर्टिकुलर रामनवमी पर, मेरे कई जानकार हैं, उन्होंने टिकटें बुक कराई हुई थी, यहाँ पर होटल बुक किए हुए थे, वो यहाँ आने वाले थे, आ भी चुके हैं, अब 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो रामनवमी तो निकल जाएगी। कुछ मतलब समझ में नहीं आता ना कि कोविड का खतरा है, अभी खतरा है नहीं, एंड द डॉक्टर्स आर सेइंग हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। पॉइंट क्या है कि अब आप रामनवमी पे भी उस मंदिर में जाने से डरेंगे क्योंकि कहीं आपको कोविड ना हो जाए, एक अजीब सी स्थितियां बन गई। बाकी मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, मेरे पास फोन भी आते हैं, बात करता हूं, जो एक हाइपर क्रिएट किया गया था, जो एक राम मंदिर को लेकर एक सीन क्रिएट किया गया था, वो आज की डेट में न के बराबर हो गया। तो राम वोट नहीं दिला पाएंगे? देखो एक बात सुनो, वोट काम से मिलता है, किसी के नाम से नहीं मिलता। इस बार यही फैसला होगा कि वोट काम से मिलता, और लोगों को समझ आ रहा है, लोग आपस में बातें करने लगे, लोग आप ठीक है बड़े चैनलों पे नहीं आ रहा, लेकिन अब सोशल मीडिया पे देखिएगा, मैं खुद घूमता रहता हूं, और ये जहां पर खास करके चांदनी चौक एरिया के अंदर मैंने देखा बहुत से वो खड़े रहते हैं लड़के, अपना न्यूज बना रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां सारे आदमी कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, क्या मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को घर नहीं मिला, किसी, और जो फंड्स कहे गए थे आपके घरों पे आएंगे वो भी नहीं मिले।
और जो राशन की दुकानों पे राशन कहाँ गया, वो भी नहीं, तो मिला क्या, हो गया कहाँ। पॉइंट ये कि ठीक है, अब बहुत कुछ है, मैं कहता हूँ बहुत हुआ, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया लेकिन मिला ही नहीं किसी को, हुआ ही कुछ नहीं, ये तो एक फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस समय जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसको अंदर से पता है कि भाई मेरा हाल बुरा होने वाला है, लोग नहीं लड़ना चाहते। पता नहीं आपने कुछ सुनी होंगी, मार रहे हैं कैंडिडेट्स को, कोई पत्थर फेंक रहा है इन अभिनेत्रियों पे, और सोशल मीडिया पे तो वो हाल हो रहा है कि अभिनेत्रियों के वो फोटोग्राफ जारी किए जा रहे हैं, अगर वो उस वेशभूषा में संसद में चली जाए तो बस गरिमा ही गरिमा, जी मतलब सोच नहीं सकते क्या क्राइटेरिया टिकट देने का, कुछ तो होगा, चाहे कोई दल हो, ए हो बी हो सी हो, और कहीं डरा कर कहीं धमका कर कहीं और हाइपर क्रिएट करके। मैं आपको एक चीज बता दूं, कल 13 तारीख है, परसों 14, 14 से लेकर 23 तक 9 दिन है मेरे पास, अगर पूरा सिनेरियो ना बदल गया तब मुझसे बात करना। चौदह से 17 देश के प्लैनेट्स, ये तो आपने नेताओं के, देश के प्लैनेट्स किस ओर इशारा कर रहे हैं वही कह अगले रहा कुछ हूं, दिन? जी 14 से 17 इंतहा होगी, लोग बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर, कीचड़ उछालेंगे, किसका, फाइनेंस का, कि अभी तो ये बड़े बड़े आए हैं ना, वो क्या, वो जो आपका ग्लोबल बॉन्ड, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड और ये सारे हैं, अब छोटी चीजें आएंगी कि इसने इस सड़क में घोटाला किया होगा, इसने इसने पुल में घोटाला किया, ये कैंडिडेट इस बात पे लड़ेंगे, बिना ये काम कराता है शुक। उसके जी बाद फिर 17 से 17 को रामनवमी भी हो जाती है, फिर 17 से लेकर और 20 तक वो जो समय है उसमें क्या है कि जो फैक्टर आ जाना है कि दशमी एकादशी को सारा होगा, वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे सीधे इल्जाम लगाएगा चैलेंजिंग मूड में, फर्क है, मैं पहली जो स्थितियां बता रहा हूं उसमें तो बोलेगा, दूसरे में चैलेंज करेगा, और जैसे ही चैलेंज होगा तो तीसरा समय आता है 20 से लेकर और 23 तक का, 17 से 20 और 20 से 23, वहां तक शुक्र जाते जाते क्या करेगा कि कई लोगों की स्थितियां जो है वो खराब कर दे, लांछनों से कैंडिडेट से डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ऐसा किया, कि आपने 2 शादियां की हुई हैं, क्या आपके पास कोई और महिला से आपके संबंध रहे, वीडियो जारी हो जाएंगे, मीडिया अपना काम करे, मीडिया तैयार बैठा, मेरे को नहीं पता तैयार बैठा, प्लैनेट तैयार बैठे हैं कि अब जो है एक चक्र घूमना है, यानी पोल और खुलने आप वाली ये है और समझ भी लीजिए ज्यादा, ये आप कहना चाह रहे हैं, भाई पोल पोल खुलने वाली है। पोल खुल, बस पोल खोली जाएगी एक दूसरे की, समय आ गया। अब जब इस तरह से पोल खुलेगी तो बड़े बड़े जो चैनल है ना, जो मुंह पर जो है पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, उनकी भी मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो उनकी भी पोल खुलेगी। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालिसिस के लिए, और आप लोगों का शुक्रिया हमारे इस वीडियो देखने के लिए। सर से कोई भी सवाल आपको करना है, नंबर दिया हुआ है नाम के साथ में, कॉल कीजिएगा। फिलहाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कल 11 बजे के बाद आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी एपिसोड आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर मुलाकात होगी संडे नमस्ते, में जल्दी ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया नमस्कार। सर।